मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले ही महिला वोटरों को लुभाने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना के जवाब में कांग्रेस की प्रस्तावित नारी सम्मान योजना से बीजेपी चढ़ गई। इसके चलते विदिशा पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर झूठ फरेब और कोरे आश्वासनों की राजनीति करने का आरोप लगाया। 20 साल के राज के बाद महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना वाली बीजेपी की सरकार की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से 15 महीने की सरकार में महिलाओं और गरीबों के लिए किए गए कामकाज का हिसाब किताब मांगा। उन्होंने कांग्रेस की ओर से बीजेपी को चुनौती दे रहे कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर जनता को गुमराह करने वाला ठहराया। 1500 रुपये और 500 रुपये की गैस की गाड़ी, इसके बारे में शर्म करें वो शर्म। झूठ पर राजनीति नहीं होती, फरेब पर राजनीति नहीं होती, आश्वासनों पर राजनीति नहीं होती। कमलनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूं, 15 महीने आपकी सरकार थी, आपने गरीबों के हक और अधिकार को छीनने के अलावा कुछ नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं जो गरीबों की हित की योजनाएं थी उनको भी बंद कर दिया था। किस मुंह के साथ आप ये झूठ बोल रहे हैं? माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार 1000 लाडली बहनों को प्रतिमाह देने का काम, 1,20,00,000 बहनों को इस मध्य प्रदेश के अंदर अगले महीने से उनके खाते में एक क्लिक से चले जाएंगे। कमलनाथ जी, इतना झूठ मत बोलिए। आपके झूठ को मध्य प्रदेश की जनता ने पहचाना है। आपका चरित्र, आपकी पार्टी का और आपका दिग्विजय सिंह के बंटा ढार का, आपके पास केवल झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए अब ये जनता कभी गुमराह नहीं हो सकती।